अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफ़ियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं दो चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। पहली बात यह है कि आर्मेनिया के पैकेज के बारे में कुछ बारीक नुकात आपको बताऊँगा। साथ ही साथ जो हमारा मालदीव में 16 तारीख को जो फौज ग्रुप गया था, अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें 60-70 से ज़्यादा अफराद थे, और ये पूरा के पूरा ग्रुप कल 1 मई को अल्हम्दुलिल्लाह सेफली सऊदी रियाद पहुंच चुका है, तो मैं उसके भी कुछ मनाजिर आपको बताऊंगा। तो आइए हम अपने मुजाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, जो लोग अभी इंडिया में हैं और सऊदी नहीं जा पाए हैं। हमने तकरीबन 6 महीनों से पैकेजेस का आगाज़ किया था, इब्तिदा की थी, स्टार्ट किया था, और ये पूरे के पूरे पैकेजेस हमने अलग अलग कंट्री से भी चलाए। लास्ट में हमारा जो पैकेज गया मालदीव्स गया। अब मालदीव्स में कुछ पाबंदियों की वजह से हमने इस रूट को डाइवर्ट किया आर्मेनिया की तरफ। तो लास्ट वीडियो मैंने आर्मेनिया का भी आपको डाला और उसकी बारीकियां मैंने बताई। बस आपको बताना ये है कि आर्मेनिया का जो पैकेज है ये 10 तारीख के आसपास होगा। हम लोग स्पेशल फ़्लाइट की का ट्राई कर रहे हैं और स्पेशल फ़्लाइट ही के थ्रू आप लोगों को ले जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों की सवाल आते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट है या नहीं। हमारी कोशिश ये कि इंडिया से आर्मेनिया यरवान डायरेक्ट स्पेशल फ़्लाइट हम लोग आपको अरेंज करवाएँ और वहाँ से भी आपको स्पेशल फ़्लाइट ही आपको करवा कर दें। इसका फ़ायदा क्या है? खुदा ना करे अगर कंट्री बंद होती है या कोई भी चीज़ होती है, तो इसके अंदर एक 50-50% चांसेस है कि हम हायर अथॉरिटी से बात कर कुछ ना कुछ कर जो हमसे बन पड़ सकता है, हम हायर अथॉरिटी सऊदी वगैरह से बात कर हम आपको सऊदी में लैंड करवा सकते हो। क्यों? वजह उसकी कि जितने भी लोग वहां पर होंगे वो तमाम के तमाम क्वारंटाइन पैकेजेस के लिए ही गए हैं। और हमारी भी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन है, आपके जो भी अहकाम है, उसूल है, उन उसूल के हिसाब से ही ये लोग सऊदी में दाखिल हो रहे हैं। यानी क्वारंटाइन का, इसी तरीके से PCR का निगेटिव रिपोर्ट का, वो तमाम कंडीशन ये फुलफिल कर आएंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अंदर एंटर हो जाए। खुदा ना करे अगर ऐसा कोई मामला हो तब की सूरत, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कई सारी जगहों से हमने नेपाल से भी स्पेशल फ्लाइट की, ओमान से भी स्पेशल फ्लाइट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मालदीव से भी स्पेशल फ्लाइट की, जो सेफली सऊदी लैंड हो चुकी है, लोग पहुंच चुके हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि मालदीव के पैकेज के बारे में, कि मालदीव में जो 16 तारीख को मेरे बंदे पहुंचे थे मालदीव, कल 1 मई को वो लोग सऊदी पहुंच गए। तो इन लोगों के निकलने से सऊदी पहुंचने की जर्नी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकले, इनकी बोट की कुछ झलकी आपको बताऊंगा, और एयरपोर्ट में जब ये लोग एक जगह जमा दे तो वहां की कुछ झलकी आपको बताऊंगा, आप इसको मुलाहजा करें। जिसको सऊदी अरब जाना है, अरिबा टेबल से कांटेक्ट कीजिए, आराम से जा सकते हैं। हम लोग जा रहा हुए, देखिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग है, जा रहा है। देखिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कुछ भी कीजिए अच्छा काम किया है, भरोसा कीजिए, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। जाना है तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको हमारा तो काम अच्छा से हो गया। वो देखिए ये सब अरिबा वाला है, देखिए बहुत लोग है, 100-150 आदमी है गरीबा का, और हम लोग तारीबा से आया हूँ, बहुत आदमी है। वो देखिए बेटी है, सब बेटा है। देखिए जिनको जाना है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को अगर जाना है तो। ये देखिए हम लोग का बोर्डिंग पास, मालदीव से मस्कत, मस्कत से रियाद, आज हमारे फ्लाइट है 1 मई को है, हम लोग 16 अप्रैल को आया था इंडिया से। वो देखिए सब का, देखिए ये एक है, ये भी देखिए सब है, जिसको जाना है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चले मौलाना का शुक्रिया, शुक्रगुजार हो हम, क्योंकि हम भी बहुत परेशानी में था, हमको भेज दिया उन्होंने बस। ज
नाजरीन एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।